आज वो दिन है जब आप इस गद्दी पे बैठे और इस जिम्मेदारी को अपनाएं। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं, इस बात का प्रतीक है कि आज से आप सूरजगढ़ के दाता हुकुम हैं। रिश्ता लिखेंगे हम नया, ये कहानी एक कहानी है जो एक बहुत ही अनोखा रिश्ता बताती है रतन सा और दिया के बीच में। दोस्तों, ये रिश्ता ना ही खून से जुड़ा है, ना ही प्यार से जुड़ा है, और ना ही ये रिश्ता कोई दोस्ती से जुड़ा है। ये रिश्ता जुड़ा है सिर्फ़ और सिर्फ एक वादे से। रिश्ता लिखेंगे हम नया रिश्ता लिखने जा रहे हैं। कुछ चेहरों पे स्माइल आ गई अचानक से। सो रिश्ता नया है ये, ऑडियंस के साथ और आप लोगों के साथ, सबके साथ। ये एक थोड़ा कम स्पाइसी, ज़्यादा मीठा रिश्ता होगा हमारा। एंड ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं कहूँ तो एक ऐसी लड़की की कहानी है ये, जो आज के वक्त में जहाँ हम कहते हैं कि इट्स माई लाइफ, आज हम यूथ को देख रहे हैं वो एक इट्स माई लाइफ और मुझे ये चाहिए, अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ है यूथ। ऐसे में एक ऐसी लड़की उभर के सामने आती है जो एक वचन की खातिर अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल बिना किसी अपेक्षा के कुर्बान कर देती है। सो ये रिश्ता अपने आप में एक, जब इस कैरेक्टर के साथ, रतन के साथ रंग लाएगा, तो वो बहुत सारी ऊंच नीच और उस लड़की के सेक्रीफाइस की झलक दिखाता हुआ आगे बढ़ेगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी फिर हम जब Q&A राउंड करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द शो, राइट? थैंक यू, ओवर टू यू। सो जैसे सर ने कहा कि दिया ने अपने ज़िंदगी के 12 बेहतरीन साल दाता हुकुम मान सिंह की विरासत और उनके बेटे रतन मान सिंह की हिफाजत करने में निकाल दिए, मगर आज रतन कुंवर सा पूरे 21 साल के होने वाले हैं। वो आज इस काबिल बन चुके हैं कि वो दत्ता हुकुम मान सिंह की विरासत की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सके। वक्त आ गया है कि वो दाता हुकुम मान सिंह की गद्दी पर बैठकर सूरजगढ़ के नए दाता हुकुम बने। तो चलिए अब हम दिया और रतन सा को बुलाते हैं और रतन कुंवर सा के राज तिलक का समारोह शुरू करते हैं। पिछले 12 सालों से हम इस तलवार को और इससे जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को अपने तन मन और धन से निभा रहे हैं। आज वो दिन है जब हम ये जिम्मेदारी आपको सौंपें।
आज वो दिन है जब आप इस गद्दी पे बैठे और इस जिम्मेदारी को अपनाए जो दादा हुकुम ने अपनाई थी। ये तलवार कोई आम तलवार नहीं, इस बात का प्रतीक है कि आज से आप सूरजगढ़ के दाता हुकुम हैं। इसका मतलब ये है कि सूरजगढ़ के लोगों से जुड़ी हर खुशी और गम आपकी जिम्मेदारी है, और हमें पूरा विश्वास है रतन सा कि आप इस तलवार से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां उतनी ही खूबसूरती से निभाएंगे जितने की मान बाप की सा हुकुम ने निभाई थी। Anyone has not seen any coronation so regal and powerful till today. अभी मैं सुमिति का और परिवार के बाकी सदस्यों का स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ एक फोटो। सक्सेसफुल शोज का निर्माण किया है, तो इसका रहस्य क्या है और आपका प्रोडक्शन हाउस इतना टॉप फर्स्ट में आता है, इसका क्या आप रीज़न क्या होगा? बहुत मेहनत करते हैं भाई। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत, क्या बताऊँ। देखिए, जोक्स अबाउट, आई थिंक मेहनत हम सब करते हैं, और इतना ही कहूँगा कि हम लोग कहानियों में बहुत कोशिश करते हैं कि एक फ्रेशनेस हो, उस लिहाज से शायद वो जब ऑडियंस को पसंद आ जाती हैं तो ज़्यादा अलग से निकल के आती हैं या उसकी बात अलग से हो जाती है, क्योंकि उद्देश्य ये होता है कि कुछ नया बनाएं हम लोग। देखिए, हम इसमें हमारा जो एक हेरिटेज फील है और जो हमारी कहानी का एक थोड़ा अंश हमने रखा हुआ था पुराना भी, तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे, और जो हम वचन मान मर्यादा की बातें कर रहे हैं, आई थिंक वो राजस्थान की मिट्टी में ही है। अगर आप पुरानी लोक कथाएं भी देखेंगे, वहाँ पे ये भर भर के आपको मिलेगी चीज़ देखने के लिए, कि वहाँ पे छोटी सी बात बोल लीजिए या एक वचन बोल लीजिए, उसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते थे। तो जो कहानी का इनहेरेंट जो बीज है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे लगा कि सेट हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल आपका शो लॉन्च हो रहा है और आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, इसकी कोई खास वजह है?
नहीं ये इसकी कुछ खास वजह तो मैं नहीं कहूँगा कि है. नॉर्मली लॉन्च के दिन ही हम लोग, आप यही कहना चाह रहे हैं शायद कि लॉन्च के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है. इसका तो है कोई समझदार मेरे अलावा भी जो बताए. एक्चुअली हमने 7th नॉर्मली 6 से ही होता है, मंडे से ही शो स्टार्ट होता है, सब कुछ वैसा ही होता है. लेकिन थोड़ा सा इस बार एक शो को एक होता ना शुभ स्टार्ट देने के उद्देश्य से हमने ट्यूसडे से या 7 तारीख से स्टार्ट करने का सोचा शो को, इसलिए दोनों चीज़ें अलग रखी गई. हम लोग कल सेट पे, लेकिन हम लॉन्च रख रहे हैं. हम लोग देखेंगे शो हल्ला गुल्ला करके. आप लोग आमंत्रित हैं, प्लीज़ मोस्ट वेलकम. या प्लीज़ खाली देख लीजिएगा हम मतलब किस तरह. अभी बड़े सोबर से लग रहे हैं, कल पता नहीं. हेलो या मेरा सवाल है, मेरे काबिल दोस्त ने आपकी तारीफ़ की कि आपके शो बहुत बेहतरीन होते हैं और सक्सेस रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि जो आपका जो शो पहले शुरू हुआ था पहरेदार पिया का, तो ऐसी क्या वजह, कौन सी चूक रही जिस वजह से आपको शो को ब्रेक करना पड़ा और फिर नए सिरे से और नई स्टार कास्ट के साथ शुरू करना पड़ा? या कहीं ना कहीं कहानी की स्टोरी लाइन थी उसमें कहीं कमी रही, या आपने इस स्टोरी को जो हमारा भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक ताना बाना है उसकी उधेड़ बुन कर दी जिसकी वजह से आपको ट्रोल होना पड़ा सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया हाउस में? क्या वजह रही, कहाँ चूक रही? पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि ये दूसरा सवाल है. मैं तो उम्मीद कर रहा था शुरुआत ही इसी सवाल से होगी, तो थैंक यू सो मच. मेरा थोड़ा ग्राउंड सेट हो गया थोड़ा बातचीत करके. सी एक्चुअली उसका बंद करने का बड़ा कारण ये था कि हमें लगा कि कहानी से ध्यान हटके लोगों का अदर एक्टिविटीज़ में ध्यान जा रहा है, तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सामने कभी निकल के ही नहीं आएगी, क्योंकि लोग उसे एक गॉसिप का ज़रिया बना के बैठ गए हैं, और जिस पे राइटर्स से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके एक एक शॉट एक एक सीन को बनाने में जान देते हैं. अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो सीन अननोटिस जा रहा है, तो एज अ मेकर हम कभी भी वो लाइक नहीं करेंगे, राइट? सो बेटर यही था कि हम एक नई कहानी बताएं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो लोगों की इधर उधर भटकने की, और वो कहानी को देखें और कहानी को एंजॉय करें. अगर उसमें उनको कुछ कमी नज़र आ रही है और उनको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है या जो भी है, मोस्ट वेलकम, बट कहानी देखें. सो ध्यान हमारा हटाने का उद्देश्य था लोगों का अदर एक्टिविटीज़ से, दैट्स द ओनली रीज़न. नमस्कार. हिंदी में काम करने का अनुभव मेरा बहुत ही बढ़िया है. मराठी इंडस्ट्री में मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ. थिएटर किया है मैंने, सत्यदेव दुबे, विजय तेंदुलकर, इनके प्लेस किए हैं मैंने, तो हिंदी थिएटर काफ़ी किया है मैंने. हिंदी सीरियल मेरी पहली है और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है. नकुशी हमारी एक मराठी सीरियल थी जो शशि सुमित प्रोडक्शन की थी, वहाँ से मैं यहाँ आ गई और मुझे लगता है कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है. बिकॉज़ आई ऑलवेज बिलीव कि जब तक आप एक फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते हैं तब तक ऑडियंस तक आप नहीं पहुँच पाते हैं. सो दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, और मुझे लगता है कि आगे जाके भी मैं ये शो के बाद और एक शो ऐसा शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ में काम करती रहूँ. धन्यवाद. सर जी, क्या ये शो फाइनाइट सीरीज होगी या कितने एपिसोड्स आपने तय किए? ये ऐसा कुछ इरादा नहीं है, जब तक ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा हम बनाते जाएंगे. ऑफ कोर्स कहानी हमें लगेगा कि मीठी है उतनी, हम कभी भी कहानी को खींचने में बिलीव नहीं करते. सो जब तक हमें लगेगा कहानी में पोटेंशियल है तो तब तक तो टचवुड चलते चले जाएंगे सालों साल, इच्छा तो वही है. जो कलाकार हैं उनका क्या अनुभव है शो में काम करने? हेलो. अनुभव तो अभी तक इतना अमेजिंग रहा है, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड टिल नाउ. आउट ऑफ नोवेयर एक महीने पहले मैं लाइक आई वुड जस्ट से मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर पे बैठा था. एक महीने बाद ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी टू लाइक आई वुड गेट टू प्ले this character because it is like one of the best and wanted, I would say wanted shows here in India. And uska jo
जो द अफान हु वाज प्लेइंग रतन द यंगर रतन ही वाज लाइक पीपल से दैट आई एक्चुअली लुक लाइक द यंगर अफान सो दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस दैट मेकर्स चोज मी आई गेस सो बट लेकिन द होल एक्सपीरियंस टिल नाउ हैज बीन फैंटास्टिक वी हैव लाइक I would just say I'm a learner right now, but the entire cast and crew, everyone, especially the director who's sitting right there, Maan sir, has been really supportive because I never had time to like even mere paas what just 3 din the prepare karne ke liye character ke liye, but that is not enough. But the director has been really supportive. Aur unhone like he just helped me every time. Like main jab bhi dialogue galat bolta tha ya jitne bhi maine fumble kiye hain ya maine कभी भी जो भी गलतियां की हैं बट ही हैज बीन रियली सपोर्टिव ही इज लाइक द बेस्ट टीचर एवर. हाउ वाज द क्रोकोडाइल शूट लाइक? क्रोकोडाइल शूट एक्चुअली यू शुड हैव आस्क्ड एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल कैसा रहा आपका शूट. आई वुड जस्ट से क्रोकोडाइल पार्ट मेरे हाथ में नहीं था लेकिन जो द होल सीन ओवर देयर द प्रोमो इट वाज अमेजिंग लाइक द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग शूटिंग दैट बिकॉज द वाटर इन विच आई फेल इट वॉज सो डर्टी इतना गंदा पानी था वो बट क्या करें काम के लिए करना पड़ता है. एंड द क्रोकोडाइल सिर्फ मेरे मुझे नहीं दिखा इतना बड़ा क्रोकोडाइल दिया जो मेरी पहरेदार है या एग्जैक्टली तो बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने सब प्रोटेक्शन रखी थी हमारे लिए गार्ड्स वार्ड आए थे क्रोकोडाइल से बच के रहना लेकिन मैं कहा नहीं चाहिए यार पहरेदार है मेरी रक्षा करने के लिए. थैंक यू. Ladies and gentlemen, I would like to welcome our other producer, Shashi ji. Can we have a huge round of applause for him, please? तो प्रोड्यूसर आप देख सकते हैं जिस सेट पे लेट आता हो तो तुम ऐसा कभी मत करना भूल से भी ना. सर आई थिंक यू शुड कम ऑन स्टेज प्लीज. थोड़े सवाल तुम पे भी आने चाहिए मतलब बोछार थोड़ी. मान इज आवर डायरेक्टर फॉर दिस शो एंड आई वुड से वी आर फॉर्चुनेट क्योंकि मान के साथ हमारा पहले भी काम में अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है. एंड मुझे ये मतलब इनके मुंह पे आज कह देता हूँ मतलब इज द पर्सन जिस पे हम एक कह सकते हैं आपके बैंक बहुत कम लोग होते हैं जिन पे आप बैंक कर पाते हैं. और ख़ासकर ये शो जब हम दोबारा बना रहे थे तो हमारे लिए एक यू नो एक नॉच अप होके ही सामने आना ज़रूरी था तो उस लिहाज से भी बहुत एक तरह से भार था कह लीजिए या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बट इज़ द मैन जिसने बड़ी ईजीली सारी चिंताएँ और टेंशन्स और भार अपने ऊपर ले लिया एंड डिलीवर्ड सो नाइसली. थैंक यू मान. हेलो तेजस्वी मेरा सवाल है आपसे. आप ओके काफ़ी जिम ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग की है आपने हमने सुना कि क्या एक्सपीरियंस था क्या क्या. ओह माय गॉड सो लिसन आई हैव वर्कड आउट नॉट जस्ट बिकॉज ये लोग उनका वर्कआउट मेरे साथ कंपेयर करते हैं एंड ये लोग अपने दिल का खाते पीते नहीं हैं. ये चाहते हैं कि मैं भी अपना मन मारूं और मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं. लाइक आई मीन कम ऑन लाइक हु इज़ फिटर लाइक इज़ इट मी और देम. आई एम फिटर प्लीज या तो या आई हैव वर्कड आउट दे विल नॉट बिलीव दैट दे यू एंड हिम यू बो दे विल नॉट बिलीव दैट बट किया है ना. नो इट्स अ फैक्ट आई एम नॉट इवन गोइंग टू पास द माइक ओनली. तो आई ऑनेस्टली हैड टू काइंड ऑफ वर्क ऑन माई स्टेमिना ऑल्सो बिकॉज लास्ट टाइम हम जब राजस्थान में थे तो वहाँ धूप के वजह से बहुत मुश्किल हो गया था शूट करना. पर इस बार मुझे पता चला था कि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी होने वाले और ये भी पता चला था कि हम लोग बहुत डेजर्ट सीक्वेंस करने वाले हैं तो आई डेंट वॉन्ट टू गेट टायर्ड वेरी फास्ट. तो आई हैड टू ऑनेस्टली वर्क आउट ऑन माई स्टेमिना एंड एवरी थिंग एंड आई थिंक इट्स टर्न आउट प्रीटी वेल बिकॉज हमने पूरी शिफ्ट आई थिंक अच्छे से मतलब कवर अप किया और सीक्वेंसेस भी अच्छे से निकले हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया है बट या दैट्स इट. हाय जानना चाहूँगा कि ये शो मतलब ये सीजन सबसे जानना चाहूँगा कि मतलब पिछले जो स्टोरी थी उस स्टोरी से कितनी आगे मतलब अलग है हटके है क्या बदलाव देखने मिलेगा आपके कैरेक्टर में सब. अलग और डिफरेंट तो है ऑब्वियसली इसलिए एक नया शो है. और लास्ट शो में
हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो लोगों को नहीं समझी, पर इस वक्त हमने बहुत सिंप्लीफाई की है चीज़ें, ताकि हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है एक जैसे कहते हैं कि राजपूत अगर एक शब्द देता है तो वो मरते दम तक उस शब्द को पूरा ही करता है, या अगर एक किसी की रखवाली हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो, वफादारी हो, ये सारी चीज़ें हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, जो हम इस पार्ट में शायद एक अलग तरीके से करें, पर वो तरीका बहुत ही अलग होगा. तो आई थिंक द टू शोज़ आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दिया इज़ नॉट द सेम पर्सन दैट शी वॉज पहले शो की. दिया में बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज है. तो या देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वट डू यू हैव टू मेरा क्वेश्चन मेकर से है, नाम क्यों अलग है? प्लॉट तो वही है, स्टोरी आगे ही बढ़ रही है, व्हाई नॉट पहरेदार पिया की? ऑल्सो टू द स्टारकास्ट, कि क्या लगता है आपसे भी ये सवाल है कि तेजस्वी पहला वाला नाम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि रिश्ता लिखेंगे हम नया? पहले मेकर से जान लेते हैं. देखिए, नाम तो अगेन वही कारण है कि हम पूरा ध्यान ऑडियंस का यही चाहते थे कि शो पे हो, यू नो. अगर हम वापस उस तरफ ही जाने की कोशिश, जितना भी उसमें एक सिमिलैरिटी रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनका ध्यान कहानी से हटेगा. हमें इस बार कहानी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना, और ये पूरा रिश्ता ही एक रिश्ता जो हम बात कर रहे हैं, वो इस शो में जो वचन की बात इन्होंने की, वो पूरा बेस ही कहानी का. एक ये रिश्ता क्या बनेगा इस वचन के बेस पे, हमारी कहानी वही है. तो कहानी को जस्टिफाई करते हुए हमने टाइटल रखा है, यू नो. हाँ, मतलब पहले वाली कहानी भी नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि कहानी वही है और हम आगे गए हैं, ऐसा नहीं है. हमने कहानी, क्योंकि बेसिकली जब हमने शो बंद किया, जो लोगों की शिकायत थी वो कहानी से थी, तो वो सेम कहानी को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं था. सो वी चेंज द स्टोरी, तो स्टोरी को यही टाइटल सूट करता है, ना कि पहले वाला. सुमी जी, हाउ वाज योर शूटिंग एक्सपीरियंस इन राजस्थान? जी, हाउ वाज योर शूटिंग एक्सपीरियंस इन राजस्थान? राजस्थान में हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहता है शूटिंग का, बिकॉज एक वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट ऑलवेज मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ. ससुराल है वो, वहाँ हमेशा अच्छा ही रहेगा. ये मैं बाद में बताने वाला था, इसने वो फ्रीज डी फ्रीज सब पहले ही कर दिया. बट ओवरऑल उसका एक एक्सपीरियंस, राजस्थान का एक एक उसकी ग्रेविटी अलग ही है. सो आई ऑलवेज एंजॉय शूटिंग इन राजस्थान. हेलो, ओ भैया, शो में आप कब शादी कर रहे हैं? बिकॉज आप कह रहे डिफरेंट शो है, बट प्रोमो में ये दिखाया गया कि आप वचन वही पूरा कर रहे हैं जो पिछले वाले शो में था. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शो? क्योंकि पहले वाला शो, उसमें क्योंकि हमने मेरी और एक छोटे लड़के की शादी दिखाई, तो जो प्लॉट जिसको आप अभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जो कि है एक वचन निभाना, वो प्लॉट पहले कोई समझ नहीं पाया था, क्योंकि हमने बहुत सी कोशिशें की थी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट. पर ये जो शो है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. जो आप हर एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड भी देखे, तो वो सेम नहीं है. हर एक कैरेक्टर का रिएक्शन, जैसे वही कैरेक्टर पहले शो में कैसे रिएक्ट करता, वही कैरेक्टर अभी इस शो में बहुत अलग तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक एक नया कैरेक्टर है वो. भले हमने नाम दिया रतन और मासा और छोटे ठाकर सा भी रखा होगा, तो भी वो कैरेक्टर अभी वो नहीं रहा है, वो कैरेक्टर अभी डिफरेंट हो गया है, जिसके वजह से उसकी रिएक्शंस डिफरेंट हो गए, जिसके वजह से एक पूरा एक जैसे हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट हो गया है. तो वो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क, डू यू ऑल सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, बिटवीन द प्रोमोज? बिकॉज यू ऑल हैव ओनली सीन द प्रोमोज, इट्स नथिंग सिमिलर टू द प्रीवियस वन एट ऑल. तो हमने बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. आई डोंट सी देम रिलेटेड एट ऑल. Okay, and also you were seen riding the horses, then definitely the camel. That was right. A camel. So you have took any trainings and all? I had to be honestly trained, but at the location itself,
तो जिनके वो कैमल थे उन्होंने ही मतलब मुझे सिखाया कि मतलब कैसे उसे टर्न करना है, कैसे रुकाना है. तो इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि कैमल पे बैठना और किसी की मदद से उसे आगे मतलब उसको राइड करना इज़ डिफरेंट. और कुछ भी कहो, इन दी एंड एक जानवर ही है. मतलब समझ नहीं आता कि कभी गुस्सा आ जाए, कभी उसे उठना नहीं होता था, कभी बैठना नहीं होता था. इट्स एन अदर लिविंग बींग, सो यू डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू रिएक्ट. तो हमेशा डर तो लगा ही रहता था. बट टू मेक द एनिमल अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली मेक द एनिमल गो योर वे वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक शॉर्ट्स मिल गए अच्छे खासे. आई थिंक आई डिड ओके. ओके, माई क्वेश्चन इज फॉर सुमित सर. सो सर, आर यू एक्साइटेड और नर्वस? नर्वस तो मैं ऑनेस्टली होता नहीं हूँ कभी लाइफ में, तो एक्साइटेड ही हूँ. सो वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लॉन्च. एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, so with this we come to the end of the launch. The artists are now available for one-to-one interviews. Anybody would like to say anything to the press? Okay, I'd just like to, on behalf of the whole team of Rishta Likhenge Hum Naya, first of all, thank you all for just being present here and to have showed so much of curiosity and interest in just getting to know what the show is going to be like. We're thrilled. And bas hum aap sabko ye vachan dete hain. And kyunki hum sabhi yahan Rajput hain, hum apne vachanon pe kayam rehte hain ki hum aapko bahut acche se entertain karenge. और आपके वन ऑफ द बेस्ट नोन और बेस्ट वॉच्ड शोज में से एक होंगे. तो या थैंक यू ऑल. चीयर्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. यू ऑल कैन हैव द वन टू वन इंटरव्यूज विद द आर्टिस्ट. वी विल हैव अ फोटो ऑफ फर्स्ट.